सत श्रीकाल जी सारिआं नूं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो वीडियो है गायके रिलेटेड ही है, और जो भी मैं पिछली वीडियो बनाई थी मोटिवेटिव वीडियो बोल सकते हैं उसको, तो मैं अपने गाय नॉट फॉर सेल वाली गाय है पर अपने फॉर्म की है, तो आपको सिर्फ ब्रीड दिखाना है जिस पे आप काम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए, अब ये गाय मेरी जोवनी सीमन की है, जो CRI का सीमन था उसकी बछड़ी है, और ये लगभग 10 दिन में सूने वाली है। और ये आप इसका पहले तो आप वेन्स देखें, जो इसको लगा हुआ है वो लाइट हाउस लगा है, जो सीमैक्स का अभी सीमन आया है। ये इसकी अर्डर की क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बाहरली साइड में भी अर्डर अभी इसने बनाना है। ये तीसरी लैक्टेशन की है, कितनी मेंटेन अपने आप को इसने रखा हुआ है, और ये देख सकते हो इसका अर्डर पूरा फाड़ीदार, क्योंकि अभी इसने दिन भी और लेने हैं, तो अभी भी बहुत क्वालिटी इसकी अडर में। ये वेन्स वगैरह आप देख सकते हो, और पीछे की तरफ अडर, और सीधी टेढ़ी जैसे भी आप देखो, तो बहुत ही अच्छी गाय। ये थर्ड लैक्टेशन की गाय है, इसको आगे में जो लगा हुआ है वो लाइट हाउस है, उसका पहला बछड़ा या बछड़ी हमारे फॉर्म पे आनी है, क्योंकि जो लेट तक सीमन मिला था तो इसको हमने लगा दिया था। तो आप इसकी एक बार क्वालिटी द्वारा से चेक करो। और इसी के साथ में ये भी हमारी एक गाय, ये जर्सी में क्रॉस की हुई है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है HF वाला है, बड़ा स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो इसकी मदर थी वो HF थी बड़े वाली, तो उसको हमने जर्सी लगाया था। लेकिन काफ़ी लोगों की पता चलता है कि जर्सी से HF थोड़े बछड़े छोटे आते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बछड़ी आई थी, तो ये जो जैड था, जैड सीमन की बछड़ी है, और ये भी लगभग 5-4 रोज में सूने वाली है। तो इसको भी आगे हमने एडिगो जो लाइट हाउस का है, दोनों को यही लगा हुआ है, एक को लाइट हाउस लगा हुआ है, इसको एडिगो लगा हुआ है, जो PDFA के दो ही सीमन है। और इस बार भी जो जो सीमन लगा रहे हैं हम, उसकी वीडियो की आपको बना के देंगे कि कौन कौन सा सीमन किस किस कंपनी का इस बार लगा रहे हैं। ये थोड़ी मतलब इसकी फैट SNF अच्छी रहती है, और ये दूध 35 से 40 लीटर में दे देती है। ये तीसरी लैक्टेशन की है, ये भी तीसरी की है, पर ये अगर इसकी दूध कैपेसिटी की बात करें तो पिछले सूए इसने 48 लीटर मतलब पीक पे दिया था, अब इस बार इसका लेवा उससे थोड़ा अच्छा है, और सोज वगैरह आप बिल्कुल भी देख सकते हो कि नहीं है, ये साऊ ठंडी वगैरह बहुत है, तो इसमें सोज वगैरह भी कोई नहीं है, और ये बहुत ही फॉर्म के नगीना पीस होते हैं हमारे, जो आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का आता है कि आप खाली गाय दिखाओ, इन्फॉर्मेशन लोग कम ही लेके खुश हैं, तो आप ये देख सकते हो। जेकर इसकी बछड़ी आती है तो इससे हमारा फार्म इम्प्रूव काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि अडर अभी तो इसने सूना है, तो इसका जो अडर है पीछे तक बहुत दूर तक निकल जाएगा। ये आपको तुरते हुए पता चल रहा है कि टॉप की बछड़ी ये हमारी है, फॉर्म की ब्रीड। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि हम ब्रीड को कैसे इम्प्रूव करें, तो आप हमें 13 साल हो गए लगे हुए, तो अब तक जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके भी एक वीडियो देंगे भी कैसे आप अच्छा कर सकते हो फॉर्म पे,
तो आप पहले तो इसकी अर्डर क्वालिटी और खड़नी मतलब इसकी लेग्स आप देखो, लेग्स वगैरह देख सकते हो, और ह्यूमन का साइज भी बड़ा अच्छा है, और जो फिटनेस है शरीर की पूरी तरह, जो ट्रांजिशन पीरियड है वो पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ है, और इस बार बड़ा अच्छा रिजल्ट ट्रांजिशन का, क्योंकि जो जेर वगैरह भी है वो अच्छे से पड़ रही है, और गाय की क्वालिटी आपने देख ली है। तो एक बार से पीछे से मैं इसके ऑर्डर की अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ये लेग्स के नीचे नहीं है तीसरे ने भी, पर लेकिन ऑर्डर बहुत अच्छा है। ये पिछले साल पीडीएफए के मेले में गई थी, तो वहाँ पे बड़ी गाय के साथ में लड़ी थी, तो इसका एक थन का थोड़ा सा मामूली सा फर्क था, तो उस वजह से ये बाहर आ गई थी, लेकिन ये फर्स्ट राउंड में नहीं आई थी, और तीसरे चौथे राउंड में जाके ये बाहर आई थी। आप कर सकते हो कि जितनी भी गाय थी तो उसमें से काफ़ी अच्छी ये लड़ती गई थी गाय, ये पीडीएफए के मतलब मेले में लड़ी हुई गाय है, तो उसमें ये ब्रीड में काफ़ी आगे तक गई थी, लेकिन इस बार ये इसका दूध मिल्क अच्छा देखते हैं अभी क्या करती है। जेकर इसने अच्छा दूध निकाला तो उसमें कर सकते हैं कि इसको लेके जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।